नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान संपन्न। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखा। मतदान के लिए सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। जम्मू कश्मीर की 40 विधानसभा सीटों के लिए 5060 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराए गए। जम्मू संभाग के कठुआ में सांबा, उधमपुर, आरएसपुरा और अन्य मतदान केंद्रों पर मतदाता उत्सव के मूड में बाहर निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए। सांबा, कठुआ और जम्मू जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सटे इलाकों में मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। निष्पक्ष, शांतिपूर्ण मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षा बलों के जवान तैनात। चुनाव आयोग की तरफ से बीमार और दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग की तरफ से पोलिंग बूथ को विशेष तौर पर पिंक बूथ बनाकर तैयार किया गया। इस बूथ पर सभी कर्मचारी महिलाएं थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने भारत की आजादी के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में मतदान किया। इस अवसर पर पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने जमकर नाच गाकर अपनी खुशी जताई। विस्थापित कश्मीरी मतदाताओं के लिए भी विशेष मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें से 11 जम्मू में, 4 दिल्ली में और 1 उधमपुर जिले में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पलवल में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस के भ्रष्टाचार की नीति पर उन्होंने जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने जहां कांग्रेस की पर्ची खर्ची के सिस्टम का जिक्र किया तो उसे दलालों और दामादों की पार्टी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को उनकी कश्मीर नीति को लेकर भी घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता कभी भी पीओके को वापस लाने की बात नहीं करते। उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर भी जोरदार निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोनीपत में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार आने पर 2,00,000 लोगों को नौकरी दी जाएगी। भारत के दौरे पर आए जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू हॉलनेस ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच शिष्टमंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों के बीच डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सांस्कृतिक आदान प्रदान और खेलों के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जमैका के संबंध साझा इतिहास, लोकतांत्रिक मूल्यों और दोनों देशों के लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु उद्योगों, जैव ईंधन, नवाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के क्षेत्र में अपने अनुभव जमैका के साथ साझा करने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों पक्ष वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत और जमैका का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित सभी वैश्विक संस्थानों में सुधार जरूरी। उन्होंने बताया कि भारत ने नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने की सड़क का नाम जमैका मार्ग रखने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि फॉर सीएस दोनों देशों के संबंधों को अंकित करते हैं। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने कोविड के कठिन समय को याद करते हुए भारत को सच्चा मित्र और भागीदार बताया। घोषणा की कि भारत सरकार की ओर से संचालित वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में जमैका शामिल होगा। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल परिवर्तन, फिल्म, शिक्षा, खेल, पर्यटन और कई अन्य दूसरे विषय शामिल। उन्होंने कहा कि बहुपक्षवाद में भारत का विश्वास सभी देशों के लिए काम करता है। इससे पहले जमैका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नाटक लोकायुक्त की टीम ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उनकी पत्नी पार्वती बीएन से जुड़े आरोपों की जांच तेज की। इस सिलसिले में लोकायुक्त की एक जांच टीम मैसूरू में विवादित भूखंड पर पहुंची। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए डीडी न्यूज। सारी छुरियां भर देती है, दीवार हमवार कर देती है। तो
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं, बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH. On the turbulent waters of the ocean, I stand firm in my country's defense. In the ocean's deepest depths, I roam unfettered. And high above the oceans, I bring my enemy down. As limitless is the ocean, so are my opportunities to make a career out of a calling, to serve the nation with honor, to succeed in battle and in life. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. सारी छुरियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। लोकायुक्त की टीम भूमापी से जुड़े सामान और उपकरण को लेकर विवादित भूखंड तक पहुंची और इस दौरान जांच टीम ने जमीन की नकली की। भाजपा ने मामले को लेकर कांग्रेस और सिद्धरमैया पर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जमीन घोटालों से जुड़ा कांग्रेस का इतिहास पुराना। कर्नाटक के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा कि सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, इसलिए हम उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कर्नाटक में विधान परिषद के उपचुनाव के लिए भाजपा ने किशोर कुमार पुत्तूर को दक्षिण कन्नड़ स्थित प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया। स्वच्छ भारत मिशन को 10 साल पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी 2 अक्टूबर को 155वीं गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत दिवस 2024 कार्यक्रम में भाग लेंगे। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 9600 करोड़ रुपए से अधिक की स्वच्छता और साफ सफाई से जुड़ी कई परियोजनाओं का शुभारंभ शिलान्यास करेंगे। इस परियोजनाओं का उद्देश्य अमृत और अमृत 2.0 के तहत शहरी जल और सीवेज सिस्टम को बढ़ाना है। 1550 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं इसमें शामिल। 2 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का भी समापन होगा। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता थीम के साथ तकरीबन 20 करोड़ से अधिक लोगों की जनभागीदारी से 25 लाख से अधिक कार्यक्रम पूरे किए गए। 1,38,000 सफाई मित्र सुरक्षा शिविर आयोजित किए गए, लगभग 38 लाख से अधिक सफाई मित्र लाभान्वित हुए। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 45 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए। रक्षा लेखा विभाग के स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा अधिग्रहण में एक समय भारत को आयातक के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आज देश की गिनती रक्षा निर्यातक के तौर पर होती है। राजनाथ सिंह ने रक्षा के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में लेखा विभाग के योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 64वें एनडीसी पाठ्यक्रम के संकाय पाठ्यक्रम सदस्यों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारी सुरक्षा संबंधी चिंता क्षेत्रीय अखंडता संरक्षण से आगे बढ़कर राष्ट्रीय कल्याण के मुद्दों को भी शामिल करती है। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक से मुलाकात की। वित्त मंत्री ने राज्य को लेकर दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर चर्चा की। नेपाल के तराई क्षेत्र में हुई भारी बारिश से उत्तर बिहार के 12 जिलों का हाल बेहाल। कोसी बैराज और गंडक बैराज से 11 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज होने के बाद उत्तर बिहार के करीब सभी जिले बाढ़ की चपेट। उत्तर बिहार में एक बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय किसान यूनियन संगठन स्वतंत्र से मुलाकात की। इस मौके पर कृषि मंत्री और किसान यूनियन संगठन के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के साथ फसलों की लागत कम करने, लाभकारी मूल्य मिलने, फसलों को जलभराव से बचाने सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाली स्वच्छ भारत दिवस 2024 को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 10 सालों में 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मुरादाबाद में नगर निगम के द्वारा जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली कंपनी बाग पार्क से शुरू होकर मुरादाबाद के कई इलाकों से होते हुए शहीद स्मारक पार्क पर संपन्न हुई। और यहां रुक एक और छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए टीवी न्यूज। सारी छुरियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बेटियाँ घर की रौनक है, बेटियाँ घर संवारती है, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुरियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। देखिए एक बार फिर आपका स्वागत, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में यमुना सफाई को लेकर जागरूकता अभियान ब्रिंग अलाइव यमुना, हमारी यमुना वॉकथॉन का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने IGNCA से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। असम के मंत्री पीयूष हजारिका ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ असम के मोरीगांव जिले में प्रियांक खड़गे के बयान के विरोध में एक रैली निकाली। सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित किए जाने को लेकर टिप्पणी के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर। भाजपा ने खड़गे पर असम के अपमान का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कोलकाता आरजीकर अस्पताल में हुए महिला डॉक्टरों के रेप और मर्डर मामले में डॉक्टरों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार के रवैये से नाराज जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पर चले गए। इस बार डॉक्टरों ने अपने काम को पूरी तरीके से बंद कर दिया। जूनियर डॉक्टरों ने आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर जल्द कार्रवाई की मांग की। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कार्यक्रम में कहा कि चीन से सटी सीमा पर स्थिति स्थिर और सामान्य नहीं है और संवेदनशील है और भारत किसी भी ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार। तिरुपति लड्डू में मिलावट का मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने SIT की जांच अस्थायी रूप से रोक दी। आंध्र प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा तिरुमला राव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के कारण SIT की जांच 3 अक्टूबर तक निलंबित रहेगी। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालजू होमा ने सिरछिप डिस्ट्रिक्ट सेकेंडरी स्कूल स्पोर्ट्स 2024 का उद्घाटन किया। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर आदेश सुरक्षित रखा। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई लेकिन कारोबार के अंत में मुख्य सूचकांक सपाट बंद हुए। हालांकि बाजार का रुझान सकारात्मक था। और एक्सप्रेस 100 में अभी के लिए इतना ही, दीजिए अनुमति। नमस्कार।